हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले जो भी पार्ट इसके सॉल्व हुए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। अटैच वीडियो से लिंक से और फुल वीडियो वॉच कर लीजिए, ठीक है? इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, बिकॉज इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैंने दे रखी है, और प्लेलिस्ट उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से अटैच है, फुल वीडियो वॉच करिए। चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे। बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 5? और क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट नंबर 7, ठीक है? पार्ट नंबर 7 और 7 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी पार्ट इसके हैं, सारी के सारे पार्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आपको सॉल्व कराएंगे हम। मीन्स 3 से 4 लाइन में, 5 लाइन से ज़्यादा 5 या 6 लाइन जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन इसमें जाने वाला नहीं है। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो लेंदी थे, टफ थे, जो कुछ भी आप मान सकते हैं सपोज दैट, बट इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं सब ईजी हैं। मीन्स 3 to 4 लाइन में बेटा आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। कैसे होंगे चलिए देखते हैं। पहले LHS टेक करते हैं, और यहाँ पर LHS यहाँ पर है क्या? डायरेक्ट टू डायरेक्ट पहले इसमें देख लीजिए, साइन थीटा और साइन थीटा का जो पेयर बन रहा है वो देखिए कुछ इस तरीके से नॉमिनेटर में हमारा बन रहा है। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा दोनों में कॉमन ले लें तो क्या हमारा यहाँ पर सेव होगा? सेव होगा यहाँ पर। साइन क्यूब मीन्स इसमें से एक पावर गई, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका? 2। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 sin² थीटा। अगेन नीचे हम देखते हैं डिनोमिनेटर में लाइक वाइज, जैसे ऊपर नॉमिनेटर में साइन और साइन का पेयर 2 टर्म्स में बन रहा था, वैसे ही कॉस और कॉस का पेयर यहाँ पे 2 टर्म्स में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ही कॉस थीटा को सेव करेंगे, मीन्स कॉमन लेंगे, और यहाँ पर लाइक वाइज 3 - 1 2, ऐसे इसमें भी हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 cos² थीटा, और माइनस यहाँ पर होगा 1 आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली मेथड, ये हम बताएंगे आपको पहली मेथड। इस क्वेश्चन को बताने की 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड पहले आप जान लीजिए, जो कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है बेटा, ठीक है? पहली मेथड आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरी मेथड है उसको आप कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो क्लास 10 में फॉर्मूला मेथड से ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते थे। आप लोग क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको कुछ सेम नॉर्मली फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फॉर्मूला बताया गया था, और यहीं से कुछ फॉर्मूले निकले थे, जैसे कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया था इधर 1 - cos² थीटा। लाइक वाइज अगर हम ऐसे पूछ लें आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन उधर चला जाता है, तो क्या हो जाता है? 1 - sin² थीटा। तो इसमें से वही चीज़ हमें करना है। तो बेटा क्या करेंगे, साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इसमें से चाहे आप नॉमिनेटर को चेंज कर दीजिए, चाहे डिनोमिनेटर को, बात को समझिएगा, चाहे आप नॉमिनेटर को, नॉमिनेटर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - cos² थीटा में चेंज कर दीजिए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin² थीटा में, ठीक है? तो सेलेक्ट आपको करना है, चाहे जो आप करिए। मैं तो भाई क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin² थीटा में चेंज। ऊपर वाला मैं एज इट इज़ राइट कर लेता हूँ, और नीचे वाला जो आपका है उसको मैं चेंज करूँगा। और डिनोमिनेटर में किसको? कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें? 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा आप इस तरीके से कुछ राइट कर सकते हैं इसे, ठीक है? और यहाँ पर हो गया आपका -1, ठीक है बेटा? इस ब्रेकेट को कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, क्या देखते हैं हम? नॉमिनेटर तो बेटा आपका वही रहेगा, ठीक है? नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 - 2 sin² थीटा, और इसको हम करते हैं अंदर 1 को, ठीक है? कुछ इस तरीके से एक लाइन और में चलना है, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 - 2 sin² थीटा तो रहना ही है वैसे। नीचे आपका देखिए क्या हो गया यहाँ से बेटा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 और -1, ये जो नंबर है, नंबर का जो भी हम पेयर बनाते हैं उसमें या तो सब्सट्रैक्ट होता है मीन्स माइनस होता है, या ऐड हो जाता है प्लस हो जाता है। 2 - 1 1 हो जाएगा, -2 sin² थीटा आपका सेव हो गया। देख रहे हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है, कॉमन वैल्यू है, और दूसरी चीज ये है कि अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है, क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो साइन अपॉन कॉस जो कि आपका बचेगा लास्ट सॉल्यूशन, और यही बेटा साइन अपॉन कॉस जो कि रेशियो होता है किसका, ये होता है टैन का, ठीक है? टैन का रेशियो क्या होता है? साइन और कॉस। तो साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टैन थीटा, जो कि बेटा आपको प्रूव करना था यही RHS। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन था, मैंने बताया था ना 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही। चलिए बेटा देख लेते हैं इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड। मैंने बताया था एक मेथड ऐसी भी है जो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व हो सकता है एक क्वेश्चन, तो उसी मेथड से हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको लर्न कराना चाहूंगा कुछ फॉर्मूले, मैंने cos 2 थीटा के कल बताए थे, मीन्स इसके नेक्स्ट जो पिछला वाला पार्ट है,
बैक वीडियो में हमने बताया था, उसमें कॉस थीटा के टू फॉर्मूले थे। ऐसे ही आपका था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये दोनों फार्मूले मैंने बताए थे। एक फार्मूला है जो कॉस और साइन दोनों के फॉर्मेट में है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका दोनों के फॉर्मेट में था। बट हम क्या करेंगे, केवल और केवल इन्हीं फार्मूले को आज हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो केवल मैंने टू फार्मूला राइट किए हैं कॉस टू थीटा के, इसी को हमें अप्लाई करना है। वो वाला अप्लाई नहीं करना, इसलिए मैंने उसको राइट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यही दोनों फार्मूला यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए, साइन थीटा का आपका फार्मूला तो कुछ काम का है नहीं इधर, तो क्या करेंगे वही चीज़। पहले हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, जो कि पीआर बन रहा है। ऐसे ही कॉस थीटा यहाँ पर आपका कॉमन होगा, यहाँ पर भी वही पीआर बना लेना है। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए बेटा, ये 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी आपका क्या है, कॉस टू थीटा। मीन्स क्या हो गया कि दोनों के प्लेस में हम कॉस टू थीटा को प्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा दोनों के फार्मूले थे, मैंने पुटअप कर दिया और ऊपर नीचे क्या हो गया, अप एंड डाउन कैंसिल हो गया नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, साइन और कॉस का रेशियो में मिल गया, जो कि किसके इक्वल्स होता है, टैन के इक्वल्स होता है। तो ये बेटा आपका सबसे इजी वे था। ठीक है, इजी फॉर्मेट में आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बीटेक पॉलिटेक्निक जेई जो भी एग्जाम्स आप पास आउट करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, जो बायो लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए नहीं है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, चेकआउट आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। केवल 1 2 3 तीन लाइन में आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी। ठीक है, वेरी सिंपल वेरी इजी, जल्दी से आप इसे राइट कर लीजिए। चलते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 के। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8 पार्ट है, ये बहुत ही इजी है। जितना ही आपको ये लेंदी लग रहा है, कितना लॉन्ग टर्म है और इतने लॉन्ग टर्म को हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है इसे 7 + 10² + cot² से। RHS तो अभी मैं प्रूफ कर ही दूंगा, उसको आप चेकआउट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको RHS जो भी लाना है 7, तो 7 का मतलब ये हुआ कि बेटा इसमें नंबर्स आपको ज़्यादा लाने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, नंबर आपको यहाँ पर लाइक वाइज 2 + 2 + 1 + 1 ऐसे ही कुछ मिलेगा। और सबसे पहली चीज़ क्या है, 7 तो आ जाएगा, फिर हमें क्या लाना है, टेन और कॉट के फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। तो टेन और कॉट के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए पहले तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलिए, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वेरी इजी वेरी सिंपल वे में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ए हो गया, ये बी, ऐसे इसमें आप ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको क्या कर लेना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ला लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहले वाला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लाइक भाई इसे भी हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, ये भी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ बेटा, आपको पता है ये तो आपका फॉर्मूला है, आपको एक चीज़ पता है कि अगर कहीं पे, यहाँ पर देखिएगा, अगर कहीं पे साइन और कॉसेक क्या हो बेटा, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बिकॉज आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल क्या की, ठीक है, तो यहां पर अगर हम साइन के बगल कॉसेक राइट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन तो है ही, और कॉसेक को हम 1/sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये फॉर्मूला नहीं है आपका, साइन थीटा इक्वल्स 1/cosec थीटा, तो कॉसेक थीटा इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, 1/sin थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन से साइन कैंसिल और वैल्यू आएगी 1, इसीलिए मैंने क्या राइट किया है, 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस और सेक का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो बेटा आप कहेंगे 1, बिकॉज मैंने बताया था ना, फिंगर वाइज मैंने बताया था कि आपको लर्न कर लेना किस तरीके से, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, साइन पे कॉसेक आया, कॉस पे सेक आया, टेन पे कॉट आया, तो ये क्या हो गया, पेयर बन गया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिंगर है आपके पास, फिंगर पे काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेटा आपका कुछ इस तरीके से, मैं क्या करूंगा, साइन इंटू कॉसेक का जो यहाँ पर फॉर्मेट आएगा, मैं उसके प्लेस पे 1 रखूंगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस और सेक के प्लेस पे 1 पुट अप करूंगा। ठीक है, अब पहली चीज, यहाँ पर साइन और कॉस का पेयर बन रहा है, मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1। तो इन दोनों को साथ करके इसकी वैल्यू हम कर देंगे अभी 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का पेयर बन गया। ऐसे ही आपके पास किसका और बनाना है, ये देखिए 2 sin a cosec, मीन्स साइन ए कॉसेक ए, देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, और अब कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, पहले इसका बना लीजिए, जो जो चीज़ें पेयर बन रही हैं पहले उसका पेयर आपको बना लेना है।
ठीक है, फिर जो बचेंगे उनको देखा जाएगा। कौन कौन बचा? ये जिसकी वैल्यू क्या राइट करना है हमें, वन। ठीक है, ये देखिए साइन इन टू कॉस एक्स, साइन इन टू कॉस एक्स की वैल्यू वन कहाँ से बताया गया, प्लस सेक स्क्वायर इसके साथ हो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा गया अब ये बचा है, तो यहाँ पे भी कॉस इन टू सेक की वैल्यू वन, मैंने बताया था पुटअप करेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, यहाँ पे है बेटा कॉस एक, तो मैंने बताया था कि कॉस एक का भी फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में, पता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा। जी हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस एक स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला कहाँ से डिफाइन हुआ, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन, तो वहां से अगर हम माइनस कॉट स्क्वायर को करने हैं वन के पास तो क्या हो जाएगा, वो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस एक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पर हमें कॉट और टैन के फॉर्मेट में लाना था, तो कॉसेक फॉर्म कर देंगे कॉट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे ही सेक वाला करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा से अगर हम माइनस टेन स्क्वायर को वन के पास कर दे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो हम सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा राइट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही आप कॉसेक वाला खुद कर सकते हैं। ठीक है, कॉसेक वाला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन होता है। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए इधर देखते हैं अब क्या हो जाएगा आपका, टू वन जा टू, यहाँ पे भी टू वन जा टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वन इसका वन, ये भी वन, टू और टू, और इसका वन इसका वन, तो टू प्लस टू फोर वन, फाइव वन, सिक्स वन, सेवन। ठीक है, सेवन आपका आ गया। ठीक, वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस टू, मिला के हो गया टोटल सेवन, प्लस बेटा क्या बचा आपका, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस क्या हो गया ये टेन स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से बेटा आपको क्या प्रूफ करना था, आर एच एस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये कुछ इस तरीके से आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जल्दी से आप राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के नाइन्थ वाले पार्ट पे। मैंने बताया बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस फॉर्मेट में ये है उसी तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हुआ, ये भी ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देन क्या किया गया, यहाँ पर हमने साइन और कॉस का पेयर बनाया, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, कॉसेक और कॉस का बनाया, नहीं कॉसेक और सेक का बनाया, बिकॉज सेक का बनता कॉसेक के साथ पेयर, तो यहाँ से टैन मिल जाता, यहाँ से कॉट मिल जाता, इसीलिए हमने दोनों को साथ कर लिया, ये टू ए बी और इसका टू ए बी साथ हो गया, बिकॉज साइन इंटू कॉसेक आपका मैंने बताया कैसे वन होता है, और ऐसे ही आपका कॉस इंटू सेक वन होता है, जो कि इस तरीके से फिर आगे आपका हो गया वन टू थ्री। मैंने बताया था ना, थ्री टू फोर लाइन में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन को भी गिरा डालते हैं। ठीक है, चलिए इसको राइट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। वन अपॉन टेन प्लस कॉट हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव का बेटा, नाइन वाला पार्ट जो है कॉसेक के माइनस साइन ए, सेक के माइनस कॉसेक है, और वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि नीचे वन बाई टेन प्लस कॉट है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सिपरेटली हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई और मेथड तो है नहीं, और कोई मेथड अगर होगी भी इसकी बेटा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन को लेंदी नहीं करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एल एच एस टेक करते हैं, क्या है आपका कॉसेक के माइनस साइन ए, सबसे पहली चीज ये एल एच एस आप राइट करिएगा। देन आप क्या करिएगा, सेकंड लाइन में क्या करेंगे, कॉसेक थीटा होता है वन बाई साइन थीटा, बिकॉज आपको पता होता है कॉसेक मीन्स इसका अपोजिट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक होता है, ऐसे ही आपको पता होगा कि कॉस का अपोजिट फॉर्म होता है सेक। तो अगर मैं कहूँ कि कॉस का अगर सेक होता है तो ऐसे ही सेक का कॉस होगा, साइन का कॉसेक होता है तो ऐसे कॉसेक का साइन होगा, तो मैं कॉसेक के प्लेस पे क्या कर देता हूँ, वन बाई साइन राइट करता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि अगर कॉसेक यहाँ जाएगा तो साइन यहाँ आएगा, मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल्स हो जाएगा वन बाई ये नीचे गया साइन थीटा, ऐसे ही सेक यहाँ आएगा तो कॉस यहाँ चला जाएगा, तो कॉसेक सेक थीटा इक्वल्स वन बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपको राइट करना है, ये तो वेरी इजी है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको, तो आपको
एकदम से रटे होना चाहिए बेटा। क्या करना है, अब यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी क्या है वन है, हम क्या करेंगे कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज कॉस है ना एलसीएम, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वन माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन आपका जो कि एलसीएम था, ऐसे इसमें कर लीजिए क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज बेस सेम होता है तो डायमेंशन ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं इन दोनों की, इन दोनों की पावर ऐड हो गई यहाँ यहाँ, ठीक है बेटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था ना कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, अभी अभी ये फॉर्मूला हमने किया था, ठीक है ऐसे, या कहें वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले अभी मैंने राइट कराए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है आपका साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए। चलिए हम ब्रेकेट को हटा देते हैं, ठीक है, बहुत हो गया ब्रेकेट, बहुत हो गया ब्रेकेट। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही नीचे आपका कॉस ए, कॉस ए को राइट किए रहेंगे, ऐसे कुछ करना नहीं अभी इसमें, देखिए कॉस, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया थीटा, तो बेटा कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऐसे साइन स्क्वायर ए से वन साइन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया आपका ऊपर इसमें एक बचा टू में से गया तो वन कॉस ए, और यहाँ साइन टू है मीन्स टू साइन स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एक साइन यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल एक साइन बचा, तो ये बेटा क्या आया ये आपका एल एच एस है, अभी आर एच एस हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए आर एच एस भी हम देख लेते हैं कि वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए का जो फॉर्मेट है अगर चेंज होगा तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला था इसको आपको राइट कर लेना चाहिए था करके। चलिए हम देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट आर एच एस का, इसमें बेटा आपका है वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल्स टू टेन ए एंड द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन इक्वल्स टू कॉट ए, मीन साइन अपॉन कॉस होता है टेन के और कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट ए, क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो इस तरीके से आपका कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट के इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है ये बेटा कुछ इस तरीके से। तो यही चीज हमें राइट करना है, टेन के प्लेस पे हम राइट करेंगे साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर आपके कॉट की प्लेस पे क्या राइट करेंगे कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ये क्या है ये फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो आप बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका ये कॉस ए है ये साइन है, मीन्स एक दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है जिससे एलसीएम इनका इक्वल हो सके, एलसीएम को इक्वल करने के लिए वही चीज़, तो साइन ए से यहाँ मल्टीप्लाई करिए कॉस ए से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ ऊपर नीचे कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ ऊपर नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ही कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे आपका क्या हो गया साइन इंटू कॉस का पेयर बन गया, या ये कहें कि कॉस इंटू साइन ए का पेयर बन गया उनका जोड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे ये साइन ए कॉस ए कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा मीन्स ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ए अपॉन बी अपॉन सी, तो क्या होता है सी ऊपर जाता है क्या जाता है ए सी अपॉन बी, ठीक है इसको ध्यान दिया रहेगा ए सी अपॉन बी हो जाता है, वैसे ही ऊपर पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी वन होती है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। तो ये आपका हो गया एल एच एस, ये हो गया आपका आर एच एस, बिकॉज वन की कोई वैल्यू नहीं होती है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर एच एस, अब बिकॉज हमने क्या कर लिया एल एच एस आर एच एस की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे अब ये चीज़ तो मस्ट है रहेगा बेटा, सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, इसको आप राइट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा क्वेश्चन राइट होने के बावजूद, ठीक है इन स्पाइट योर क्वेश्चन, बट एग्जामिनर आपका नंबर तो उड़ा देगा ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है पेयर बनाना है, जो जो पेयर हमें बन रहे हैं उन पेयर्स को हमें बना लेना है, देन क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, या फिर आप भूल गए तो आपका नंबर कट होगा। तो कैसे हैं आप लोग, तो चलिए बेटा क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट मींस लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th का, बेटा क्या करना है सबसे पहली चीज देख रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर है जो कि इक्वल्स होगा सेक स्क्वायर की, ये फॉर्मूला है बेटा, क्या है सीधा सीधा हम देख रहे हैं ये है भैया फार्मूला, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये भैया क्या है सीधा सीधा देख रहे हैं भैया ये है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एल एच एस टेक करते हैं, एल एच एस टेक करेंगे तीन पार्ट है भाई साहब, अगर तीन पार्ट है तो एल एच एस आर एच एस से काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है,
तुम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट से इसे टेक करके क्या रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम इक्वल्स करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में भी राइट करना है, ना कि आपको LHS RHS ऐसे इक्वल्स के, RHS LHS होता है और तो तीसरा होता नहीं है, ठीक है। या आप ये कहें कि फर्स्ट पार्ट इक्वल्स सेकेंड पार्ट इक्वल्स थर्ड पार्ट, बस इतना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ 1 + 10 स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट इसको राइट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट राइट करेंगे कुछ इस तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर, आप राइट कर लीजिएगा 1 + 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है, बिना राइट करे हुए ना लगाइएगा मेरे तरीके। 1 + cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर है, मैंने भी बताया था ये फॉर्मूले हैं, इनको चेंज आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर आप करना चाहें कि इसमें साइन अपॉन कॉस कर दीजिए और इसको कॉस अपॉन साइन कर दीजिए, क्योंकि टैन साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, तो टाइम आपको वेस्ट करना है तो आप वेस्ट कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है, आप वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं वेस्ट करें, बिकॉज अ फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूले होते हैं ऐसे, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है बच्चों, ना कि टाइम फालतू बेकार करना है, उड़ाते रहना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है किसी ने आपको ये क्वेश्चन 10 को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके बताया हो, कॉट को कॉस अपॉन साइन में पेयर बनाया हो, एलसीएम लिया हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई हो, नीचे आपका कॉस स्क्वायर बचा हो तो 1 cos sec स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ऐसे ही कॉस अपॉन साइन कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉमिनेटर में पेयर बना, उसकी वैल्यू 1 हो गई, अपॉन में आपका 1 sin स्क्वायर थीटा जो कि ऊपर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। वही तो आया है एक लाइन में मेरा, वही 4 लाइन आप चलेंगे उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, एग्जामिनर तो बुरा मानेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहली चीज की सेक जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट फॉर्म होता है, अभी आया था 1 sin राइट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉस पे सेक आया, मींस सेक का क्या होगा 1 cos हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बेटा a है तो हम a राइट करेंगे, थीटा नहीं, क्या राइट करेंगे a राइट करेंगे, वेरी इजी वेरी सिंपल। अब ये हो गया a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो क्या होता है a अपॉन b मल्टीप्लाई d अपॉन c, कुछ इस तरीके से आपका होता है ना, तो यही फॉर्मेट में हम क्या करेंगे इसको कर देंगे। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहीं पर कर लेते हैं, तो 1 cos स्क्वायर a और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, वैल्यू तो वही हुई ना कि ऊपर आपका आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू बेटा होती क्या है, अभी मैंने बताया साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ गया ना 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 10 स्क्वायर लेना था, हमें क्या करना है इस पार्ट को भी इसके पैरेलल दिखाना है, मींस इसके इक्वल्स ले आना है, और इस पार्ट को भी मींस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की वैल्यू 10 स्क्वायर आ जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट में ऐसा क्या करना होता है। चलिए 1 - 10 ए है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला आपके माइंड में अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इसमें बेटा अगर हम चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लाने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, आगे जाके आपको 1 + 10 स्क्वायर है जो कि sec के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, बिकॉज अगर sec आ गया तो ये कैसे आएगा, फिर वही फॉर्मूला, फिर तोड़ना पीटना काटना यही सब। तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है कम से कम, ठीक है, कम से कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 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 मेरे हिसाब से तो 3 to 4 लाइन में क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम साइन और कॉस के रेशियो में चेंज कर देते हैं, बिकॉज अभी मैंने बताया था ना कि साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है 10 होता है, ऐसे कॉस और साइन का रेशियो कॉट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - sin अपॉन कॉस, और यहाँ कॉस अपॉन साइन का रेशियो क्योंकि कॉट है, जो टेन का होगा वही कॉट का अपोजिट हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देख रहे हैं 1 है तो कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए से मल्टीप्लाई, ऐसे बेटा यहाँ आपका साइन ए है तो साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम बराबर होने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर नॉमिनेटर में और नीचे आपका हो गया कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे डिनोमिनेटर में आपका साइन ए हो गया, इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। लाइकवाइज हम ऐसे ही इस तरीके से राइट करते हुए चलेंगे, अभी हम क्या कर देंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि इसको इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये अंदर चला आएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। अब ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d क्या है, ये d है और ये क्या है, ये c है, तो ये d अपॉन c मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, b स्क्वायर अंदर आएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर,
साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज बेटा, अगर हम कहें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो मैं आपसे पूछूं कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताएंगे सर वही होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। अभी आप फंस रहे होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों में सेम वैल्यू आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहें, बात तो एक ही हुई ना। चाहे आप कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो बेटा आपकी एक ही हुई। तो हम क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स आपका हो जाएगा b माइनस ए के होल स्क्वायर के, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स है b माइनस ए के होल स्क्वायर के। मींस हम अगर ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मिल जाए तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बिना एक्सपेंडेड फॉर्म मिलाए, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू मैंने बताई है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से ये आ गए, कुछ इस तरीके से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है नॉमिनेटर में और b माइनस ए का होल स्क्वायर नीचे है डिनोमिनेटर में, अगर आ गया तो कुछ इस तरीके से, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी वैल्यू? 1। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर देखिए cos a माइनस साइन a है और साइन a माइनस cos a, a माइनस b यह है b माइनस a, ठीक है, इसीलिए मैंने इतनी देर ये भाषण दिया। ये स्पीच आपको समझ में आई बेटा, ठीक है, इसी तरीके से हमने किया और बचा आपका क्या, ऊपर साइन स्क्वायर ए बच गया और नीचे आपका हो गया बेटा कॉस स्क्वायर ए। तो ये स्पीच आपकी समझ में आ गई होगी, तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया किस तरीके से मैंने उसको कैंसिल कर दिया। बेटा क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट भी टेन स्क्वायर ए हो गया, थर्ड पार्ट आपका टेन स्क्वायर ए है। सो वी कैन राइट दैट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकेंड एंड इक्वल्स टू थर्ड, ऑल्सो वी राइट दैट इट इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, चलिए इसको आप राइट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बेटे आपकी सॉल्व हो चुकी है टोटली कंप्लीटली, ये खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया पूरा का पूरा चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री का। आगे के लिए आप रेडी रहिए, प्रिपेयर करिए अच्छे तरीके से। मैं अगला जो चैप्टर लाने वाला हूँ वो है पॉलीनोमियल का, तो बेटा वीडियो अब जल्द से जल्द उसकी आएगी। सबसे पहली अगर आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाना है तो क्या करना है आपको पता है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट बिकॉज यू हैव टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड whether you like to comment then comment in the inbox and also बेटा जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए ताकि आपकी भी हेल्प सके, दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अब आपको पॉलीनोमियल के बारे में रेडी रहना है, पॉलीनोमियल का जो भी चैप्टर होगा अब स्टार्ट किया जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी हैप्पी, बी इंजॉयफुल एंड बी सीरियस टू योर स्टडी। चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय एंड जय हिंद।